सो so, हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूं और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत जरूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का ये मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोहते रहने के फैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थड़म मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थड़म मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था तो यह है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उल्सैलजा को डायरेक्ट किया था वो नद ओकाड जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादा रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथिनानी मालविका शर्मा निविता पैथूराज अमृता लेर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्री निवास देवीचरण पम्मा साय ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथेन है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करी इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट तो दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलना ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर मेरे डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजीएम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो so, हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का ये मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोहते नी के फ़ैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थड़म मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप तो करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थड़म मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद ये मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वो नद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है, है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथिनानी मालविका शर्मा निविता पैथूराज अमृता लेर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोषानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवीचरण पम्माई साई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोतलिन है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमेक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट जरूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल डबिंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन परमेंट के डेट पर और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो so, हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोतेने के फ़ैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद ये मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसैलिया को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनानी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज, अमृता लेयर, पवित्रा लोकेश हेबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोतरेन है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनती नहीं हैं बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला वा, हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर के डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटी अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते रहने के फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो गए अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उल्सैलिया को डायरेक्ट किया था वन दे औकाड जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम मालविका शर्मा निविता पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर के डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटी अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते रहने के फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो गए अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उल्सैलिया को डायरेक्ट किया था वन दे जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंधना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम मालविका शर्मा निविता पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको, उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटी अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते रहने के फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो गए अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंधना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनी मालविका शर्मा निविता पेथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथिननी है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटी अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा, रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थडम का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो गए अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनी मालविका शर्मा निविता पेथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथिननी है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि तो दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थडम का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थडम मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो गए अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निविता पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई साय, ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथिननी है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि तो दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मजा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इंजॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आईएमडीबी की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वनद ओकाड जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निविता पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हेबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई साय, ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथीन है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते नहीं कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वन दे जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथीनानी है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मजा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम बोहत के फैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रडर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वन दे जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला वालों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इंजॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते नहीं कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वन दे जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई साई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते नहीं कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वन दे औका डगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवेदा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखने में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोतने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम तो वह तरह के फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रडर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उसे को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवेदा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला वालों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते नहीं कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवेदा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला वालों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते यानी कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंधना और सर्वानंद की आडा वालू मेको जुरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि तो दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम तो वह तरह के फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्डर मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रडर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मिका मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जोरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि तो दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं हैं बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर मेरे डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम वो उस यानी कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओका जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मिका मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जोरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनी मालविका शर्मा निवथा पैथुराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि तो दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम तो बहुत नी फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्डर मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों तो आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रडर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जोरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनिनी मालविका शर्मा निवथा पैथूराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हेबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पम्माई ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम पोथीन है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों के बनते नहीं हैं बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थडम का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थडम मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते यानी कि फ़ैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जोरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनिनी मालविका शर्मा निवथा पैथूराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हेबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनाला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं और टेटे अपडेट वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मजा ज़रूर आने वाला है सो हेलो दोस्तों तो आज आपको साउथ की एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं आज मैं आपको इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे तो आप अगर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप सभी लोग साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सको तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी मेरे तरह राम पोसने के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए हम पहले यहाँ पर इस मूवी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं फिर आपको आगे बताएंगे कि ये मूवी आपको कहाँ पर मिलने वाली है इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो, जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं बिना वॉच किए ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है वो नहीं है उल्लू बना रहा है ये बना रहा है बल्कि दोस्तों हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता कर रखा है कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ हमने वीडियो के अंदर बता कर रखा होता है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप साउथ की एक बेहतरीन मूवी को हिंदी भाषा में देख सकें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो पहले यहाँ पर हम इस मूवी के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह मूवी रीमेक है साउथ की मूवी थड़म का यह मूवी रीमेक है तो अगर आपने थड़म मूवी को देख लिया है तो आप इस मूवी को चाहे तो स्किप कर सकते हैं वरना अगर आप राम पोस्ते यानी कि फैन है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर थर्ड मूवी देखी है तो आप इस मूवी को स्किप करें वरना आप इस मूवी को देख सकते हैं थर्ड मूवी दोस्तों आपको हिंदी भाषा में यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग में तो वो भी आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के बारे में यानी कि रेड मूवी के बारे में तो रेड इस मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था तो ये है तेलुगु भाषा की क्राइम थर्डर मूवी है पहले इस मूवी को एक साथ सात भाषा में रिलीज़ किया जाने वाला था पर पता नहीं कि बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने इस मूवी का प्लान चेंज कर दिया और यह मूवी सिर्फ़ तेलुगु में आई थी इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन दो घंटे छब्बीस मिनट का था जो काफ़ी सही है और इस मूवी की रेटिंग थी दस में से छः पॉइंट चार की आई की तरफ से और वहीं पर इस मूवी को सिक्सटी लोगों ने लाइक किया था इस मूवी को जनवरी दो में रिलीज़ किया गया था और बाद में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि यह मूवी हिंदी भाषा में आएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना ही मूवी हिंदी में आई ना ही ये तमिल में आई ना ही ये भोजपुरी में आई अनाउंसमेंट हुई थी एक साथ सात भाषाओं की पर यह मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं आई बाद में फिर थोड़े टाइम बाद यह मूवी आई थी ओ के ऊपर वहाँ पर यह मूवी तमिल तेलुगु में आई थी पर हिंदी में नहीं आई थी बट आज मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था किशोर त्रिमोला ने तो इनको आप सभी लोग जानते हो गए क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवी को डायरेक्ट किया था तो शायद आप सभी लोग जानते हो अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले पावर मूवी को डायरेक्ट किया था शिवम को डायरेक्ट किया था नैन उलसल्या को डायरेक्ट किया था वनद ओकाट जिंदगी यही डायरेक्ट किए थे चित्रलारी लारी वही डायरेक्ट किए थे और हाल ही में एक मूवी आई थी रश्मि का मंदना और सर्वानंद की आडा वालू मेकू जोरालू ये भी इन्होंने डायरेक्ट किया था तो डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं उनके जो मूवीज़ होती है उनमें आपको ज़्यादातर रोमांस देखने को मिलता है और उनके जो मूवीज़ होते हैं ना वो जल्दी फेमस हो जाती है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की कुछ और जानकारी के बारे में जैसे कि इस मूवी के कास्ट के बारे में और बजट के बारे में तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन बत्तीस करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज हिट रही थी अगर बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं राम पोथीनिनी मालविका शर्मा निवथा पैथूराज अमृता लेयर पवित्रा लोकेश हैबा पटेल सोनिया अग्रवाल वेनला किशोर नासिर पोसानी कृष्णा संभतराज रवि प्रकाश सत्या नारा श्रीनिवास देवी चरण पमाईसाय ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दरअसल मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है तो यहाँ पर जो राम है इनका आपके दो रोल देखने को मिलने वाले हैं अब यहाँ पर स्टार्ट में सीन दोनों भाइयों की बनती नहीं होती है अब जब भी एक दूसरे को देखते तो लड़ने लगते थे दरअसल इनकी वजह यह थी कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे अब वो आपको मूवी के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को क्या वाकई में प्यार करते हैं वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि इनमें से एक हिरोइन किसी और को पसंद कर रही थी तो गलती से वो सामने आ जाता है तो कुछ और ही कंफ्यूजन हो जाता है तो मूवी में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक फाइट सीन आपको देखने को मिलने वाला है जियाल के अंदर जो काफ़ी तगड़ा होने वाला है यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता ही नहीं कि असली क्रिमिनल कौन होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है तो पता करना काफ़ी पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर दोस्तों बात करें इस मूवी की आगे वाली कहानी के बारे में तो कहानी काफ़ी कहानी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें यही दिखाया गया है कि ये दोनों लड़ते हैं इन दोनों की बनते नहीं है बट दरअसल जब बात आती है मौत की तो ये दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भाई थे सगे भाई थे इसलिए दोनों साथ हो जाते हैं और क्लाइमैक्स के अंदर दोस्तों ये लोग दोनों साथ मिलकर जो विलन होते हैं उनको मार देते हैं तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको अभी हिंदी भाषा में नहीं मिलने वाली है क्योंकि यह मूवी ओरिजिनल लविंग में नहीं आई है बट अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियल देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिल जाए जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल लव कर दिया है अगर आपको वो वर्जन देखना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस मूवी को आसानी से देख सकते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को नीचे डाला है तो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो टेलीग्राम पर हम जो नई नई मूवीज़ आती है उनके अपडेट लाते रहते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेलीविजन पर का डेट और छोटे मोटे अपडेट लाते रहते हैं वो टेटे अपडेट और सब कुछ हम टेलीग्राम पर डालते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना टेलीग्राम करने का आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्टर थे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी सॉन्ग बीजियम सब कुछ परफेक्ट था मूवी काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं मूवी देखते में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है